नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बंगाल से खबर है, बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल शुभेंदु की रैली में लगाए थे गोली मारो के नारे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है, 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। शुभेंदु अधिकारी की रैली हो रही थी, जिसमें 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गद्दारों को गोली मारो के नारे लगाए थे, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की जंग लगातार जारी है। बीते दिन हुगली में हुई भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी की रैली में नारेबाजी हुई है, जिस पर बवाल लगातार जारी है, जहां बीजेपी समर्थकों ने देश के गद्दारों को गोली मारो के नारे लगाए हैं। अब पुलिस ने 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है, आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बता दें कि हुगली में बीते दिन शुभेंदु अधिकारी लॉकेट चटर्जी की अगुवाई में रैली निकाली गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था। इसी में ये नारेबाजी हुई है। इसका वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक न्यूज वर्ल्ड इंडिया पहुंचा रहा है, जहां पर शुभेंदु अधिकारी की रैली में गद्दारों को गोली मारो के नारे लगाए हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। वीडियो के आधार पर 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी यहां पर हो गई है। लगातार राजनीतिक जंग यहां पर जारी है। ऐसे में ममता की पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे शुभेंदु अधिकारी, जिसके बाद उनकी रैली थी और रैली में गद्दारों को गोली मारो के नारे यहां पर लगाए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके चलते पुलिस ने 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बंगाल से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए हैं। शुभेंदु की रैली में नारेबाजी की थी, जिसके बाद पुलिस ने 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक न्यूज वर्ल्ड इंडिया पहुंचा रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की जंग लगातार चल रही है। बीते दिन हुगली में भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी रैली कर रहे थे, जिसमें यह नारेबाजी हुई है, जिस पर लगातार बवाल मचा हुआ है, जहां बीजेपी समर्थकों ने देश के गद्दारों को गोली मारो के नारे खुलेआम लगा दिए थे। अब पुलिस ने 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई भी यहां पर की जा रही है। ममता की पार्टी छोड़कर यहां पर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसके बाद उनकी रैली थी और ऐसे में मुख्य रैली उनकी मानी जा रही थी, जिस पर बीजेपी समर्थकों ने गद्दारों को गोली मारो के नारे यहां पर लगाए हैं, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई है और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।